Joining me is the Deputy Chairman of Rajya Sabha, Mr. Harivansh. Welcome to Rajya Sabha TV, sir. You presided over the proceedings of the House. Of course, yesterday also you did, but today there were full proceedings. How was the experience? धन्यवाद. यह मेरा पहला अनुभव था और अच्छा अनुभव था. मैंने देखा कि कई देश के अलग-अलग हिस्सों के बड़े ज्वलंत मुद्दे आते हैं. मसलन केरल में कल बारिश से लगभग 22 लोगों की मौत हुई. देश के किसी इलाके में कोई इस तरह की घटना होती है जो हमारी संवेदना को परेशान और बेचैन करती है, वो सारे सवाल उठते हैं. पर ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को सुनने का आपस में सौहार्द बनाएं और ध्यान से सुने. और मुझे आज पहले दिन मैं मानूंगा कि सारे लोगों ने बड़ा सहयोग किया. अब ये ज़रूर माहौल है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है और हमारी बात पहले सुनी जाए, पर उसके लिए एक प्रक्रिया है. आप जानती हैं कि कोई भी सदन या इवन कोई व्यवस्था कुछ नियमों पर ही चल सकती है. अगर 10 सवाल बड़े आते हैं तो 10 में से पहला एक होगा, दूसरा होगा, तो इन ऑर्डर ही तय होगा कि किस सवाल पर कैसे क्रम में चीज़ें रखी जाए. जिनके सवाल क्रम में नहीं आते उनका आक्रोश दिखाई देता है. मुझे लगता है कि लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि किसी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए एक आत्मानुशासन विकास सबको अपने अंदर करना होगा.